पूरा मामला चरवा थाना इलाके के हुसैन मई गांव का है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि मेरा पिता एक वर्ष से मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा है, कहीं शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित लड़की के बयान में लड़की की बड़ी बहन के साथ भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है, जिसके चलते बड़ी बहन गांव छोड़कर नानी के यहाँ ननिहाल चली गई है। जी हाँ, आपको बता दें, इसकी शिकायत जब पीड़ित लड़की कई बार थाने आने की कोशिश की तो उपरोक्त पिता ने पूरे परिवार की हत्या की धमकी देकर चुपचाप रहने को मजबूर कर दिया। दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित लड़की ने थाने में शिकायत कर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। तत्काल प्रभाव से मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और थाने में बंद कर लिखा पढ़ी कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। हमारे पापा हमारे साथ गंदा काम करते हैं, हम उनको ऊपर बुला के लेके जाएंगे, कहेंगे और हमसे मिलवाते रहते हैं, हमको छेड़ते रहते हैं, हमको कहेंगे चलो यहाँ वहाँ खेत लेके जाएंगे, रात के कहीं जाएंगे लेके हमको, कहीं ऊपर जाएंगे रात को छत से छेड़ते रहते हैं, हाँ, नहलाने के बहाने कहेंगे चल नीचे, वहाँ छेड़ते रहते हैं। तुम्हारे साथ कोई गलत कार्य किए हैं? आज एक साल हो गया है? एक साल से कर रहे हैं। एक साल से कर रहे हैं? हाँ। तो उसके बाद क्या ये शिकायत जो है अपने जो है घर में किसी को, माँ को नहीं बताई क्या? बताए हैं। हाँ, तो मम्मी कहते हैं किसी बताना नहीं, काट डालूंगा मार डालूंगा, और इसी तरह धमकाता रहता है, इसीलिए डर के मारे किसी से नहीं बताते। अच्छा, तो कितने भाई बहन हो? चार भाई दो बहन। तुम बहन में छोटी हो कि बड़ी? छोटी। तुमसे बड़ी क्या करती है? वो घर में रहती है, खाना वाना बनाती है। हाँ, वो कहाँ है इस समय? इस समय नानी के यहाँ भगवानपुर में। हाँ।